हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ताज़ा खबर, आज हम आपको बताएंगे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको मिलेंगे 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों 30 नवंबर तक किसान करवा लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपये। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये काम करवा लें 30 नवंबर तक, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे ये 6,000 रुपये। तो दोस्तों कैसे नहीं मिलेंगे और किस योजना में मिल रहे हैं 6,000 रुपये, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अब सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे 6,000 रुपये। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये 30 नवंबर तक ये काम करवा लें, नहीं तो नहीं मिलेंगे 6,000 रुपये। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों, इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया, उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है, और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 6,000 रुपये मिले हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है आधार कार्ड है तो 30 नवंबर तक किसान करवा लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के हर किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हासिल करने के लिए किसानों को इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पीएम किसान सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और एक फोटो की जरूरत होती है। ये स्कीम 1 सितंबर 2018 को लागू की गई थी। तो दोस्तों इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है, इसलिए किसानों के पास पीएम किसान सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बस कुछ दिन ही शेष बचे हैं। जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है ये फौरन इस काम को करवा लें। तो दोस्तों जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो फौरन रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो नहीं मिलेंगे हर साल मिलने वाले 6,000 रुपये। तो दोस्तों 30 नवंबर है आखिरी तारीख, 30 नवंबर तो जो किसान अपने आधार नंबर इस योजना में लिंक नहीं करवा पाए हैं उन्हें 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान योजना में आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है। तो दोस्तों किसान अपने नज़दीकी के कॉमन सर्विस सेंटर या अपने गाँव के पटवारी, स्वराज अधिकारी या फिर राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी से मिलकर अपना आधार लिंक करवा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आधार कार्ड है तभी आपको मिलेंगे 6,000 रुपये। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर अपना आधार नंबर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो दोस्तों इस तरह करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक फोटो कॉपी, किसान का पासबुक साइज एक फोटो और खेत के खसरा खतौनी की एक कॉपी होनी चाहिए। जिन किसानों का इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला है तो अपने पटवारी या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस काम के लिए सरकार ने एक हेल्प डेस्क ईमेल या अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा किसान हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर अपनी समस्या बता सकते हैं। तो दोस्तों इस नंबर पर आप अपनी शिकायत को बता सकते हैं डायरेक्टली प्रधानमंत्री से। तो दोस्तों 1 सितंबर को शुरू हुई थी ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद दी जाती थी। योजना की पहली किस्त 31 मार्च 2019 तक किसानों को जारी कर दी गई थी। इस योजना में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है क्योंकि ये राज्य अपने किसानों की लिस्ट केंद्र के पास नहीं भेजता है। तो दोस्तों इस योजना में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है क्योंकि ये अपने किसानों की लिस्ट राज्य के पास नहीं भेजता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने आधार लिंक नहीं करवाया है तो
आज ही आधार लिंक करवाएं, नहीं तो आपके खाते में नहीं आएंगे 6,000 रुपए जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको मिलेंगे 6,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में। नहीं कराया है आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे इस योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए। तो दोस्तों आज ही कराएं रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अनिवार्य है। तो दोस्तों ये 30 नवंबर आखिरी तारीख है, अगर आपने इस तारीख तक ये काम नहीं निपटाया तो फिर आपको कभी भी नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती